नॉर्डिक कंट्रीज का अभी अभी सम्मेलन हुआ है कोपेनहेगन में, डेनमार्क की राजधानी है। आपको क्या याद रखना है, प्रश्न कहां से आएगा करंट जीके में, कि निम्न में से कौन शामिल नहीं है यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, पीईटी सब में कौन शामिल नहीं हुआ। ये तो पूछ ही सकता है कि सम्मेलन नॉर्डिक वाला दूसरा वाला कहां हुआ है, मोदी जी ने भाग लिया, भाषण दिया, पूछ सकता है यार। लेकिन ये पूछेगा निम्न में से कौन शामिल नहीं है, कंसेप्ट क्या है नॉर्डिक कंट्रीज, याद रखने सारे। स्वीटी फोन देने ना आई, स्वीटी फोन देने ना आई, स्वीटी स्वीडन नॉर्डिक कंट्रीज है, फोन फिनलैंड है, देने डेन मार्क है, ना नॉर्वे है, आई आइसलैंड है। अब मोदी जी ने इसमें भाग लिया। आगे देखिए प्रश्न यहां से ही आएगा, निम्न में से कौन नॉर्डिक कंट्रीज नहीं है। ये तीन देश ऐसे लटके हुए हैं, पहले यूरोप में और यूरोप में भी उत्तरी यूरोप में, एक डेनमार्क यहां है और आइसलैंड यहां है। पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी प्लस पीईटी कोई भी एग्जाम 2023 का सब में यही जीके आने वाली है करंट जीके के लिए। पेज नंबर 7 से शुरू कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। सताकर जा रहे हो पासपोर्ट लेने, करंट जीके वाली क्लास बिल्कुल तैयार हो गई है, स्टेटिक जीके वाली क्लास भी तैयार है। गारंटी से तैयारी करनी हो अगर आपको ऐसे ही कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स है तो मुझसे संपर्क कर लीजिए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 दो बार जारी होता है, किसी भी वर्ष में दो बार जारी करते हैं। मैंने कहा सताकर जा रहे हो पासपोर्ट लेने, सता सता से क्या है, 87वां स्थान है भारत का, भारत का स्थान याद रखना है। जापान पहले स्थान पे है, जा रहे हो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में सताकर जा रहे हो 87वां स्थान भारत हो गया, जापान हो गया, और पासपोर्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पहला भी याद रखना है, पहला स्थान किसने प्राप्त किया है और भारत का स्थान क्या है। एक और मेंस के लिए फैक्ट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यूएन ने, यूएन हैबिटेट की जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड सिटीज 2022 के अनुसार 2035 तक भारत का शहरीकरण 43.2% हो जाएगा। ई ससुरा पहले कितना था 2011 में जो हम तोल दिए हैं, ये भी याद रखना है। 2011 नगरीकरण वाला जो मेंस का भी टॉपिक है, प्री का भी टॉपिक है, तो नगरीकरण का जो स्थिति है 32% है भारत की 2011 के अकॉर्डिंग, कितना है 32, और 68 है शहरी, 68 ग्रामीण, 32 शहरी, नगरीकरण कितना है भारत में 32%। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ा दिया मैंने, इससे आगे चलते हैं। पहले ई ससुरा सारा सेलेक्ट करके मिटा देता हूं जिससे प्रॉब्लम नहीं हो आपको। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए मेरे नंबर पे, आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्री का टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। गोगरा हॉट स्प्रिंग वाला मैटर भी समझाता हूं आपको अभी, और ये नंबर मेरा मैं नीचे दिखा देता हूं आपको, नीचे आ जाइए, ये लीजिए नंबर 9997295322, ये लीजिए। यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी प्री की गारंटी से तैयारी, सर आर एम उपाध्याय नंबर रहा ये, फ्री का टेलीग्राम चैनल भी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस नंबर को डायल कर लो 9997295322। नोट्स जिसे चाहिए करंट के, स्टैटिक जीके के ट्रिक वाले, वो संपर्क कर सकता है इसी नंबर पे। चलिए ऊपर चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। स्वीटी फोन देने नहीं आई तो मत आने दो, हमें गया, हमने तो याद कर लिया। एक और, गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र, सीधा यहां से प्रश्न आएगा कि कहां स्थित है, कहां पे स्थित है गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र, जहां से सेनाएं हटा ली हैं भारत और चीन ने, सेनाएं हटा ली हैं गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इसका नाम है, पूर्वी लद्दाख में स्थित है, यहां से दोनों सेनाएं अपनी पूर्व स्थिति में चली गई है। IUTU मैं भी और तुम भी, IUTU मैं भी और तुम भी, IUTU यहां से जो प्रश्न बनेगा, पश्चिमी एशिया का क्वाड कहते हैं इसे, IUTU में कौन कौन शामिल है। आई फॉर फर्स्ट आई है इजराइल, एक और आई है इंडिया के लिए, फिर यू है यूएई के लिए, फिर है यूएसए के लिए, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, इंडिया और इजराइल, चार देश इसमें शामिल है IUTU में। आई दो बार आएगी और यू दो बार आएगा। आगे चलते हैं भैया जी, ये देखिए एक और बड़ी बड़का बात हुई है, तुम्हारी खाद्य सुरक्षा को मैं पिछली ट्रिक मैंने दे दी थी, एक और रिपोर्ट जारी हुई है
जिसमें यह पूछा गया है या बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को 35 किलो अनाज कुल कितना मिलता है, 35 किलो अनाज, अधिकतम 7 कैंडिडेट को मिल सकता है, 5 किलो अनाज मिल सकता है। याद क्या करना है यहां पे, याद यह करना है कि इसको लागू करने में, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम देंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम याद रखिए, और पहले स्थान पे कौन है, उड़ीसा, 2022 की रिपोर्ट है, दिमाग में ठूस लीजिए इसे। पहले स्थान पे कौन है, उड़ीसा, दूसरे पे कौन है, उत्तर प्रदेश। वैश्विक विद्युत उत्पादन क्षमता, बिजली निर्माण की क्षमता किस देश में सर्वाधिक है, तो आप क्या लगाएंगे, अमेरिका पहले स्थान पे, भारत का स्थान कौन सा, तीसरा, चीन कौसने पे है, दूसरा पे। करंट जीके का बैच चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्ले ऐप की हमारे की प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां केवल आप एक साल की करंट जीके 299 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं विद पीडीएफ, और जिनको भी प्रिंटआउट चाहिए संपर्क कर लीजिए नंबर पे। आगे चलते हैं इससे, ये लीजिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। देखिए यहां ट्रिक देता हूं कि जारी कौन करता है, बड़ा याद रखना, बड़ा बहुत ही पहला प्रश्न तो यही बनता है कि याद कौन करता है, मतलब जारी कौन करता है वैश्विक निवेश रिपोर्ट को, जारी कौन करता है वो याद करना है। तो बोलिए देखिए निवेश को करिए, मैंने 100 रुपए लगाए हैं, 200 रुपए लगाए हैं, 300 लगा, 1,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं। निवेश हमेशा अंकों में होता है, निवेश हमेशा होता है अंकों में। निवेश वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, इन्वेस्टमेंट जब भी करोगे तो डिजिट में करोगे, अंक में करोगे, अंक टाड़ कौन जारी करता है, अंक टाड़ पहले स्थान पर। देखिए इनफ्लो और आउटफ्लो होता है निवेश में, या तो बाहर जाके आप लगाएंगे या आपके बिजनेस में आके भारत में आके कोई लगाएगा, तब जब प्राप्तकर्ता जो देश है, सर्वाधिक प्राप्तकर्ता जो देश है वो एक नंबर पे है अमेरिका, और सातवें नंबर पे है भारत, और बाह्य प्रवाह में मतलब विश्व में अन्य देशों में जाकर निवेश करने में भी अमेरिका पहले स्थान पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां पे नीचे वाली, इसे भी आप दिमाग में रखिएगा, पहले पूरी डिलीट करता हूं फिर समझाता हूं। ये लीजिए कृषि 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ किया है, प्रत्येक 5 वर्षों पर कृषि संगणना होती है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के द्वारा। अमृत सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। देखिए पहले तो इसमें ये याद रखिए कि अमृत सरोवर, क्योंकि 24 अप्रैल आप जानते ही हैं पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, तो उसी दिन मोदी जी द्वारा इसकी चर्चा की गई है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय बनाया है। कौन बनाया है, ग्रामीण, पंचायती राज मंत्रालय सहयोग करेगा बात ठीक है, लेकिन नोडल मंत्रालय अगर पूछ ले आपसे अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत, ये अमृत सरोवर क्या है भाई, भारत के प्रत्येक जिले में 75 तालाब, प्रति जिले के हिसाब से तालाब खोदे जाएंगे या खुदे हुए का पुनरुद्धार किया जाएगा, पहले से ही तालाब है तो उनको ऐसा बनाया जाएगा कि वर्षा जल संचय किया जा सके। तो पहला कहां बना है ये याद आपको रखना है, पहला वाला भी याद रखना है, पटवाई है उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में, रामपुर जनपद में। नोडल मंत्रालय भी याद रखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, पटवाई रामपुर याद रखिए, और इस योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। नार्डिक सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है, कोपेनहेगन में, डेनमार्क मोदी जी गए थे, दूसरा नार्डिक सम्मेलन है, पहले में भी मोदी जी गए थे, इसमें भी मोदी जी ही गए हैं, और कोशिश की गई थी कि मोदी जी कुछ बोल दे रसिया के बारे में, वो हमारे मोदी जी ठहरे और आपके भी मोदी जी ठहरे, वो कुछ नहीं बोले हैं, सबका साथ सबका विकास, हमको नार्डिक देश भी चाहिए और रसिया का सहयोग भी चाहिए, हम नहीं बोले किसी के खिलाफ वहां भी, मैं इसमें प्रयोग कीजिएगा आप इसे। स्वीटी फोन देने ना आई, पहले तो नार्डिक कंट्रीज याद कर लीजिए, स्वीटी स्वीडन, फोन फिनलैंड, देने डेनमार्क, ना नॉर्वे, आई आइसलैंड, पांचों के पांचों आपको नार्डिक कंट्रीज याद हो गए हैं। चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, हमारा एक दो वीडियो का लिंक और दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उन्हें आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि करंट जीके या ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी याद कैसे रखता है, ये सब चीजें फैक्ट आपको दिमाग में कैसे रहे। यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी, पीईटी, अन्य कोई सरकारी नौकरी, दरोगा, लेखपाल, सबके लिए याद रखें। हैव अ नाइस डे, बाय।